अमेरिका। आप देख रहे हैं देश का नंबर वन न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट गया है। सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। जी हां, न्यूज 18 इंडिया देश का नंबर वन चैनल बना हुआ है हम पर भरोसा जताने के लिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको लगातार भारत चीन तवांग टेंशन की हर वो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में फिलहाल मौजूद हैं। चीन को इस बार एक बार फिर से पटकनी मिली है। की क्या है स्टोरी वो अब आपको बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है तवांग में चीन से हुए विवाद पर लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता का बयान सामने आया। कलिता ने कहा है कि अभी स्थिति नियंत्रण में है। स्थानीय स्तर पर मामले को सुलझा लिया गया है। बुमला में चीन के साथ फ्लैग मीटिंग भी की गई। सेना ने आगे ये भी कहा कि मामले में कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं। इसके साथ ही सेना ने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। Though some minor injuries were there to people, soldiers of both sides, I would also like to request you not to listen to any rumors. There have been no major injuries. It's only minor injuries to soldiers from both sides. और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें। तवांग में एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच आज दूसरे दिन भी भारतीय वायुसेना का युद्ध अभ्यास जारी रहेगा। इस युद्ध अभ्यास में अत्याधुनिक लड़ाकू जेट रफाल और सुखोई समेत भारतीय वायुसेना के लगभग सभी फ्रंट लाइन लड़ाकू विमान इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय वायुसेना अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के इलाके में दो दिन का बड़ा युद्ध अभ्यास कर रही है। और युद्धाभ्यास के पहले दिन वायुसेना ने अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास से पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र को कवर करते हुए अपनी सैन्य क्षमताओं को परखा। इसके साथ ही वायुसेना ने ये जरूर साफ कर दिया है कि ये युद्धाभ्यास किसी भी तरह तवांग सेक्टर में हुई घटना से जुड़ा नहीं है। ये अभ्यास पहले से ही तय था और तय कार्यक्रम के अनुसार ही ये दो दिवसीय युद्धाभ्यास जिसकी शुरुआत कल से हुई है, जिसके जरिए वो तमाम फाइटर जेट उड़ान भरते हुए और दुश्मन को बड़ा संदेश देते हुए कि किस तरीके से भारत की सेना मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। और विस्तारवादी नीति को लेकर चीन दुनिया में बदनाम रहा है। उसकी सीमा भले ही 14 देशों से मिलती है लेकिन सीमा को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ है। और इस विवाद के पीछे है उसकी सलामी स्लाइसिंग पॉलिसी। इसी पॉलिसी पर चलकर वो भारत की सीमा पर भी टेढ़ी नजर रखता है। लेकिन भारतीय सेना की पैनी नजर और जज्बे के सामने चीन की सारी चुनौतियां ध्वस्त हो जाती है। एलएसी पर चीन की हड़प नीति, जमीन हथियाने वाली सलामी स्लाइसें। चीन दुनिया का वो इकलौता देश है जिसकी सीमाएं एक दो नहीं बल्कि 14 देशों के साथ मिलती हैं, लेकिन सीमाओं को लेकर उसका विवाद 23 देशों के साथ चला आ रहा है। और इस विवाद की जड़ में है चीन की वो नीति जो पूरी दुनिया में कुख्यात है और इसका नाम है सलामी स्लाइसें। भारत की सीमा के पास के इलाकों को हथियाने के लिए चीन सलामी स्लाइसिंग वाली चाल चल रहा है। मतलब ये कि चीन जमीन के बड़े हिस्से को हथियाने के लिए छोटे छोटे इलाकों में अपने पैर जमाने की साजिश में जुटा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सलामी स्लाइसिंग है क्या। सलामी स्लाइसिंग यानी पड़ोसी सीमाओं की जमीन कब्जाने का चीन का पुराना पैटर्न। सलामी स्लाइसिंग के जरिए चीन पड़ोसी देशों की जमीन के छोटे छोटे हिस्सों को कब्जाता है। इस तरह से युद्ध की आशंका नहीं होती क्योंकि इस नीति के तहत चीन की सेना पड़ोसी देश की जमीन पर धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दिस इज द टैक्टिक्स दैट दे वर
have adopted and we're continuing to do, what we call salami slicing. यूरोप में 1990 के दशक में पहली बार सलामी स्लाइसिंग शब्द का इस्तेमाल सैन्य रणनीति के तौर पर किया गया था और चीन भी अपने पड़ोसियों के साथ कुछ ऐसा ही करता रहा है। सलामी स्लाइसिंग को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी रकम पर बड़ा हाथ साफ करना हो तो उस बड़ी रकम से थोड़े थोड़े पैसे निकाले जाए ताकि एक बार में चोरी पकड़ी न जाए, इस बात का पता ही न चले कि अचानक पूरी रकम कहां गई। इसे ही सलामी स्लाइसिंग कहा जाता है। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए चीन इसी चाल को सालों से चलता आ रहा। भारत की सीमा के पास के इलाकों में भी चीन के सैनिक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रणनीति ये होती है कि अगर उनके आगे बढ़ने का पता भारत को न चले तो फिर वहां अपनी पैंट बना ले। हालांकि भारत के सामने चीन की सलामी स्लाइसिंग वाली चाल फेल ही रही कि भारतीय सेना के मुस्तैद जवान हर बार चीन के सैनिकों को खदेड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाते। सलामी स्लाइसिंग की नीति के बीच चीन की नई साजिश का भी पर्दाफाश हुआ है। चीन अपनी नई साजिश को उस डोकलाम में अंजाम देने में लगा है जहां भारत, चीन और भूटान तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डोकलाम में चीन ने भारत की सीमा के पास अवैध तरीके से पुल और इमारतों का निर्माण कर लिया है। सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की साजिश का पता चला। सैटेलाइट से जो तस्वीरें ली गई उनमें चीन ने भारत की सीमा के पास बहने वाली एक नदी का पुल बना लिया है। उस पुल के पास कुछ इमारतें और वहां कई सड़कें भी नजर आ रही हैं। ये निर्माण उस जगह के पास किया गया है जहां 2017 में भारत और चीन के बीच विवाद हुआ था। डोकलाम में चीन की कारिस्तानी की खबर भारत को समय रहते ही लग गई थी, जिसके बाद भारत के कड़े रुख की वजह से तब चीन को पीछे हटना पड़ा था। 70 से ज्यादा दिनों तक चले गतिरोध के बाद दोनों देशों ने अपनी सेना को विवादित जगह से पीछे हटा लिया था। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अब चीन भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है और डोकलाम के आसपास के इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में जुटा है। यही नहीं, भारी हथियारों को रखने के लिए सुरंगें भी बनाई गई हैं। आशंका यह है कि चीन ने 2017 के मुकाबले उस इलाके में अपनी सैन्य ताकत को दोगुना कर दिया। शी जिनपिंग बीते अक्टूबर में ही तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बने और तभी से चीन की रणनीति और ज्यादा आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है इसे लेकर पांच देशों में शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने की कोशिश हो रही है कि आखिर अगले 5 साल के लिए शी ने क्या क्या बारूदी टारगेट सेट किए। तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में बहुत बड़े युद्ध का मास्टर प्लान पक रहा है? क्या शी के दिमाग में भारत के साथ दूसरे चीन युद्ध की हिमाकत हिलोरे मार रही है? क्या शी के दिमाग में ताइवान को चीन के नक्शे में मिलाने वाली जंग की योजना पक रही है? क्या शी जिनपिंग के ब्रेन में वर्ल्ड ऑर्डर को बदल देने वाले वार का सपना आकार ले रहा है? क्या शी जिनपिंग के दिमाग में अमेरिका को युद्ध में हराने का ख्याल पक रहा है? या फिर शी के दिमाग में परमाणु युद्ध का फितूर समाया है? जब से शी जिनपिंग को तीसरी बार अगले 5 साल के लिए चीन की सत्ता की बागडोर मिली है तब से चीन की रणनीति और आक्रामक हो गई है। शी जिनपिंग के दिमाग में क्या चल रहा है इसे लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। शी के दिमाग में भारत के साथ युद्ध है, शी के दिमाग में ताइवान पर कब्जे का प्लान है,
शी के दिमाग में अमेरिका के साथ वर्चस्व की जंग या कैसे सुपर पावर बनना है इसका ब्लूप्रिंट है या फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया चल रहा है। शी जिनपिंग के राष्ट्रपति बनने के बाद से चीन की विस्तारवादी नीति में अचानक तेजी आई है। जिनपिंग जानते हैं कि जब तक उनकी सेना वर्ल्ड क्लास नहीं होगी, कम से कम एक युद्ध को जीतकर दुनिया पर अपनी धाक नहीं जमा लेगी, तब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। यही वजह है कि अब दुनिया के तमाम देशों के खुफिया टीम शी जिनपिंग के दिमाग को पढ़ने में लगी है। शी जिनपिंग के दिमाग को दुनिया के 5 देशों में पढ़ने की कोशिश हो रही है। ये 5 देश हैं ताइवान, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सेना के सहारे शी जिनपिंग के वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने वाले प्लान को तवांग में तगड़ा झटका लगा है। शी जिनपिंग का मानना था कि भारत चीन की सेना के लिए आसान टारगेट है, क्योंकि चीन का मानना है कि भारत पर हमले के हालात में भारत को अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का साथ जुटाने में वक्त लगेगा। ऐसे में अगर चीन को अपनी सेना की ताकत दिखाकर दुनिया को धमकाना पड़े तो भारत ही उसके लिए सबसे आसान मोर्चा है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर शी को 440 वोल्ट का करंट लगा है। भारत के रणबांकुरों ने चीन की सेना को जिस बहादुरी से खदेड़ा उसे देखकर शी को तगड़ा वाला शॉक लगा है। शी जिनपिंग चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सर्वोच्च नेता यानी महासचिव हैं। चीन में इस पद पर चुने जाने वाला नेता ही देश का राष्ट्रपति और पीपल्स लिबरेशन आर्मी का कमांडर भी रहता है। यानी शी जिनपिंग महासचिव के साथ साथ चीन के राष्ट्रपति भी हैं और चीन की सेना के प्रमुख भी। शी जिनपिंग के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के साथ ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का 4 दशक पुराना नियम भी टूट गया। दरअसल चीन में 1982 में सर्वोच्च पद पर 10 साल के कार्यकाल का नियम बनाया गया था, लेकिन शी जिनपिंग को 5 और बरस तक सत्ता में रखने के लिए इस नियम को किनारे कर दिया गया। ड्रैगन की इस टेढ़ी चाल पर हर किसी की नजर है। ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल मनाने वाली है और तभी शी जिनपिंग का बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होगा। यानी सेना अपने शताब्दी समारोह को बेमिसाल बनाने और शी के तीसरे कार्यकाल के खत्म होने पर कुछ बड़ा कर सकती है। शी 2027 तक चीन के राष्ट्रपति भी रहने वाले हैं और चीन के सेना के प्रमुख भी। ऐसे में 2027 चीन के साथ साथ दुनिया के लिए भी बहुत ही बारूदी बरस रहने वाला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिमाग में 2027 को लेकर क्या मास्टर प्लान पक रहा है? अमेरिका के प्रेसिडेंट के दिमाग में 2027 क्यों कौन रहा है? 2027 को लेकर अमेरिका कितना बड़ा प्रोटेक्शन प्लान तैयार कर रहा है? चीन ने आखिर किसी तीसरे देश को लेकर चीन और अमेरिका के टॉप लीडर के दिमाग में अभी से क्या गेम प्लान चल रहा है? 2027 में चीन की सेना अपनी स्थापना का 100वां साल मनाने वाली है और शी के बतौर राष्ट्रपति तीसरा कार्यकाल भी खत्म होने वाला है। ऐसे में 100 साल को बेमिसाल बनाने के लिए चीन की सेना उससे पहले कुछ बहुत बड़ा करना चाहती है। कुछ ऐसा जिससे चीन की धाक दुनिया में कायम हो जाए। अमेरिका से सुपर पावर वाली जंग में चीन विजेता बनकर उभरे। शी का सरकारी भोपू ग्लोबल टाइम्स ताइवान को लेकर अमेरिका को मानसिक बीमार बता चुका है। चीन का दावा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका भ्रम की स्थिति में है। ताइवान को लेकर अमेरिका सीजोफ्रेनिया नाम की मानसिक बीमारी का शिकार हो गया है, जिससे अमेरिका को निजात तभी मिलेगी जब ताइवान पर चीन का कब्जा हो जाएगा। दावा तो यहां तक है कि इसके लिए चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी हरी झंडी दिखा दी है।
अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक डेविड कोहन का दावा है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि उनकी सेना 2027 तक ताइवान पर कब्जा करने में सक्षम बन जाए। दावा है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि PLA 2027 में ताइवान पर आक्रमण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ताइवान को हर हाल में अपने नक्शे में मिलाना चाहता है और इसके लिए शी जिनपिंग ताइवान पर 2027 से पहले भी हमला करने से नहीं हिचकेंगे। दरअसल शी की मंशा यह है कि 2027 तक चीन अमेरिका तक को रणभूमि में पटखनी देने की ताकत हासिल कर ले। चीन से भारी तनाव के बीच भारत और नेपाल आज से सैन्य युद्ध अभ्यास करने जा रहे हैं। संयुक्त परीक्षण अभ्यास सूर्य किरण 29 दिसंबर 2022 तक चलने वाला है। भारत और नेपाल के बीच ये 16वां सैन्य अभ्यास है। हालांकि इस अभ्यास से भी चीन को बेचैनी हो सकती है। भारत और नेपाल के बीच सामरिक रिश्तों में मजबूती लाने के लिए चीन के मंसूबों पर पानी फेर सकता है ये युद्ध अभ्यास, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ताइवान के मुद्दे पर चीन को रूस का साथ मिलता आ रहा है और ताइवान पर चीन की लगातार टेढ़ी नजर है। बस यही वजह अमेरिका की परेशानी को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, चिंता बढ़ाए हुए है। इसलिए अमेरिका सैटेलाइट के जरिए चीन की हर हरकत पर 24 घंटे निगरानी कर रहा है और उधर अमेरिका की टेंशन पेंटागन दावे ने भी बढ़ा दी है। इसमें दावा किया गया कि 2020 के बाद चीन ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की तादाद दोगुनी कर दी। ताइवान मुद्दे पर रूस हमेशा चीन के साथ रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि चीन ताइवान पर अटैक करेगा या नहीं। करेगा तो कब करेगा, कहां से करेगा, ताइवान में कहां करेगा, इसकी जानकारी पुतिन को हो सकती है। यही वजह है कि अमेरिका का सैटेलाइट चीन के चप्पे चप्पे की खाक छान रहा है। चीन के परमाणु तहखाने की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा रहा है, जिससे अगर चीन कोई न्यूक्लियर चालबाजी करने वाला हो तो उसकी जानकारी वक्त रहते लग जाए और परमाणु युद्ध जैसा खतरा टल जाए। अमेरिका के प्रशांत महासागर बेड़े के कमांडर एडमिरल सैमुअल पपरो का दावा शी के युद्ध चरित्र की पोल खोलता है। एडमिरल सैमुअल पपरो ने इस बात की पुष्टि की कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपनी JL-3 मिसाइल को अपने 6 Type 094 सबमरीन पर तैनात किया है। इससे चीन के पास अमेरिका के करीबी समुद्री इलाके से हमला करने की ताकत आ गई है। इन पनडुब्बियों को अमेरिका को धमकाने के लिए ही बनाया गया है और US ने भी इन पर काफी नजदीक से नजर रखे हुए है। अमेरिका के रणनीतिक कमांड के कमांडर एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड पहले ही अमेरिकी सेनेट की कमेटी को रिपोर्ट दे चुके हैं कि JL-3 मिसाइल की मदद से चीन साउथ चाइना सी से अमेरिका पर हमले कर सकता है। इसी बीच अब ये खबर आना कि चीन अमेरिका के मुकाबले ICBM पर अधिक परमाणु बम लगा लिया है, अमेरिका के लिए और बड़ी चुनौती बन जाती है। सवाल है, क्या सच में चीन के पास अमेरिका की तुलना में ICBM पर अधिक परमाणु हथियार है? पेंटागन की रिपोर्ट में अंदेशा जताया गया है कि चीन ने 2020 में अपने ICBM भंडार को दोगुना कर लिया है। चीन के पास अब 300 ICBM और 300 ही ICBM लॉन्चर है, जो कि अभी अमेरिका से कम है। अमेरिका के पास 400 ICBM और 450 ICBM लॉन्चर है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तादाद में भले ही अमेरिका के पास ज्यादा है, लेकिन दावा है कि चीन ने अमेरिका के मुकाबले अधिक परमाणु बम अपने ICBM पर लगा रखे हैं और ICBM पर परमाणु बम का सीधा सा मतलब है अमेरिका तक चीन की परमाणु पहुंच। यानी युद्ध में चीन अमेरिका पर परमाणु हमला पूरी ताकत के साथ कर सकता है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन ने 400 परमाणु बम बना लिए हैं, जो 15,000 किलोमीटर रेंज वाली DF-41 मिसाइल पर आसानी से सेट हो सकते हैं। DF-41 पर एक साथ कई परमाणु बम फिट हो सकते हैं।
ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यवाहक डिप्टी सीईओ शेन मिंग शेह ने दावा किया है कि चीन ताइवान पर तब तक आक्रमण नहीं करेगा जब तक वो अमेरिका का मुकाबला करने में सक्षम नहीं बन जाता, क्योंकि चीन को ताइवान और अमेरिका की जुगलबंदी का बखूबी अंदाजा है। ताइवान के नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिप्टी सीईओ का दावा है कि अमेरिका के स्पेशल कमांडो ताइवान के सैनिकों को ट्रेंड कर रहे हैं। अमेरिका के मरीन कॉर्प्स के अधिकारी ताइवान में डटे हैं। अमेरिका हवाई में ताइवान सेना को प्लाटून लेवल की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसने चीन के खौफ को और बढ़ा दिया है। अब सवाल यह कि ताइवान चीन का मुकाबला कैसे करेगा? चीन को रोकने के लिए ताइवान के पास और क्या है? ताइवान को लेकर पूरी दुनिया इस वक्त सिर्फ तीन सवाल पूछ रही है, क्योंकि जो जंग सामने दिखाई दे रही है वो यूक्रेन से भी खतरनाक साबित हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता दें, यूएनएससी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद के मसले पर चीन पर निशाना साधा है। एस जयशंकर ने कहा कि एक चुनौती ये है कि हम दोहरे मानकों से कैसे निपटे। किसी भी देश को आतंकवाद से राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आगे ये भी उन्होंने कहा कि जब आतंकवाद से निपटने की बात आती है तो हमें अपने राजनीतिक मतभेदों को दूर कर देना चाहिए। समर्थित प्रस्तावों को बिना किसी कारण के रोका गया है। यूएनएससी में आतंकवाद के मुद्दे पर चर्चा के दौरान एस जयशंकर ने चीन पर सीधे तौर पर निशाना साधा है और दावा यह किया जा रहा है कि ड्रैगन का पहला टारगेट ताइवान है और अमेरिका लगातार ताइवान को चीन से लड़ने के लिए मजबूत कर रहा है। और यही वजह है कि अमेरिका ताइवान को सैन्य मदद मुहैया करा रहा है। अमेरिका ताइवान को हथियारों का बड़ा जखीरा देने वाला है, जिसमें हार्पून जैसी एंटीशिप मिसाइल भी शामिल है, जो हवा से हवा में मार करने में माहिर है। चीन का हमला किसी भी वक्त हो सकता है और ताइवान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। ताइवान में चीन को रोकने के लिए तीन लेवल पर डिफेंस तैयार है। पहला है, चीन को समंदर में रोक दिया जाए, उसके जहाजों को मिसाइल से निशाना बनाया जाए। दूसरा है, चीन की फौज ताइवान के तट पर उतरती है तो उसको वहां काउंटर किया जाए, तोप के गोले बरसाए जाए। तीसरा है, जो सबसे खतरनाक युद्ध यानी ताइवान के शहरों में चीन की फौज के साथ गोरिल्ला युद्ध लड़ा जाए। अमेरिका की मदद से ताइवान की हिम्मत बढ़ी हुई है। अमेरिका लगातार ताइवान के जंगी जखीरे को खतरनाक हथियारों से भर रहा है। चीन की सेना को चारों खाने छेद करने वाले मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा मार करने वाली मिसाइलें देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइट फाइंडर मिसाइल है। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात हैं, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है, ताकि चीन ताइवान में आकर युद्ध में फंस जाए और अमेरिका की सुपर पावर वाली साख बची रहे। यही वजह है कि चीन अभी ताइवान पर हमला करने से परहेज कर रहा है। पहले वो खुद को अमेरिका से लोहा लेने के लिए तैयार कर रहा है, खुद की ताकत को बढ़ा रहा है, अपने हथियार एडवांस करने में लगा है, जिनकी जानकारी अमेरिका को भी है। अमेरिका और चीन संबंधों पर नजर रखने वाले वैश्विक सलाहकार जोनाथन डीटी वार्ड ने एक खास इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही है। वार्ड का मानना है कि चीन अमेरिका के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, चीन एशिया में अपने पड़ोसी मुल्कों से भी जंग की तैयारी कर रहा है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट चीन के अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज की सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर चुका है। दावा किया जा रहा है कि चीन के पश्चिमी शहर यमन के पास एक रेगिस्तान में रोबस्ट परमाणु मिसाइल और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के लिए 120 से ज्यादा साइलों का निर्माण कर रहा है। ये लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिसकी जद में अमेरिका होगा।
जापान के इंटेलिजेंस के मुताबिक चीन के पास 1900 के करीब जमीन से मार करने वाली मिसाइलें हैं, वहीं समंदर से मार करने वाली 300 मिसाइलें चीन ने बना रखी हैं। साल 2020 में चीन ने अकेले 250 मिसाइलों का परीक्षण किया था। यह पूरी दुनिया में किए गए कुल मिसाइल टेस्ट से ज्यादा है। चीन के पास इस समय अंतरिक्ष में 200 निगरानी रेडार हैं, जो धरती का चप्पा चप्पा छान मार रहे हैं। यही वजह है कि दावा किया जा रहा है कि जंग छेड़ने से पहले चीन अमेरिका सेना सिर्फ लड़ने बल्कि जीतने की ताकत हासिल करने में लगा है, और इसके लिए 2027 तक की डेडलाइन रखी गई है। लेकिन अगर चीन 27 से पहले ही ऐसा करने में कामयाब हो गया तो उसे ताइवान पर हमला करने में देर नहीं लगेगी। और अब चीन को डराने वाली इससे भी बड़ी खबर। दरअसल दो दिन एलएसी के आसपास भारतीय वायुसेना का सख्त पहरा है। रफाल से लेकर सुखोई तक और चिनूक से लेकर अपाचे हेलीकॉप्टर तक सभी लड़ाकू दस्ते इस वक्त एक्टिव हो गए हैं। तवांग से न्यूज 18 इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट ये देखते हैं। चीन की तवांग वाली साजिश के पीछे उसकी तैयारी क्या है? इसकी 5 सैटेलाइट इमेज बहुत बड़ा अलर्ट बनकर आई है। इन 5 सैटेलाइट इमेज ने चीन की साजिश से पर्दा उठा दिया है। एक एक इमेज को डिकोड करेंगे, ये रिपोर्ट देखते जाइए। ऐसी तस्वीरों को काउंटर करने के लिए इस वक्त पूर्वोत्तर का आसमान जेट विमानों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। स्वतंत्र भारत में आजाद आसमान का सबसे भरोसा दिलाने वाली तस्वीर है। युद्ध छेड़ने पर दुश्मन की हवाई घेराबंदी का यकीन है ये। अगर जंग हुई तो दुश्मन के खेमे में हाहाकार मचाने वाली मशीन है ये। ये है इंडियन एयरफोर्स। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार, के वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के राडार एक्टिव हो जाते हैं। तवांग में चीन के सैनिकों की झड़प के बाद पूर्वोत्तर में एयरफोर्स की बड़ी एक्सरसाइज ने चीन को बड़ा मैसेज दिया है। पूर्वोत्तर में सुखोई विमान भी उड़ रहे हैं। राफेल जेट की लगातार सॉर्टीज जारी है। चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर से स्पेशल फोर्स को उतारने की प्रैक्टिस हो या फिर अपाचे हेलीकॉप्टर से चीन की बड़ी बड़ी फॉर्मेशन को मिट्टी में मिलाने की ताकत, वायुसेना का युद्धाभ्यास इस वक्त पूरे चीन को डराने के लिए काफी है। मैं बिल्कुल बिल्कुल चाइना के पास खड़ी हूँ, और जहाँ पर मैं खड़ी हूँ ये भारत है और दूसरी तरफ चाइना है। महज चंद कदमों पर चाइना है, वो चाइना जो पटखनी खाता रहता है, वो चाइना जिसे भारतीय सेना ने हर बार मुंह तोड़ जवाब दिया है। चीन ने एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश की है। लद्दाख में 2020 के बाद से चीन एलएसी की लकीर बदलने की कोशिश कर रहा है। देपसांग और देमचोक के बाद उसकी नजर तवांग यानी अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से पर है।
और इसके लिए उसने एलएसी के आसपास अपने 10 एयरबेस को एक्टिव कर दिया है। इन सभी एयरबेस की पूरी जानकारी है, इंडियन मिलिट्री भी इन एयरबेस के बारे में जानती है।